बच्चों की शादियों के लिए माँ बाप जिंदगी भर पाई पाई जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई कोर कसर ना बाकी रह जाए। इस सीजन का न सिर्फ शादी करने वाले लड़के लड़कियों को बल्कि कंपनियों को भी साल भर इंतजार रहता है, और हो भी क्यों ना, इस दौरान पूरा मार्केट गुलजार जो हो जाता है। ट्रेड बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक अगले दो महीने यानी नवंबर दिसंबर 2024 में 48 लाख शादियों में 5.9 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल के मुकाबले ये तगड़ा उछाल है। पिछले साल शादियों के सीजन में 4.3 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ऐसे में अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो इस साल दो महीने में 4.5 लाख शादियों में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सवाल उठता है कि इस खर्च में कुछ कमाई भी हो सकती है? जवाब है हाँ, क्योंकि इतनी शादियों में जो वस्तुओं एवं सेवाओं का कारोबार होगा उसका मूल्य करीब 5.9 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। इससे सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी नया जोश मिलेगा। दरअसल अक्टूबर आते ही पहले हफ्ते से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाता है। इसके बाद शादी ब्याह का मौसम शुरू होता है। इस बार शादी का लगन 16 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। ऐसे में कई अनुमान आए हैं कि इस दौरान देश भर में करीब 48 लाख शादियां होंगी। हर वर्ग के लोगों में शादी होती है, लेकिन सभी एक समान खर्च नहीं करते। किसी किसी शादी में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो कोई शादी महज 2 से 3 लाख रुपए में भी निपट जाती है। ऐसे में ट्रेड बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का कहना है कि इस साल अधिकतर शादी 3 से 15 लाख रुपए के खर्च पर और 7 लाख शादियां ऐसी होंगी जिसमें 25 लाख रुपए खर्च होंगे। 50,000 शादियां ऐसी भी होंगी जिनमें 50 लाख और 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे। गौरतलब है कि भारत वैसे भी उत्सव और जश्न का देश माना जाता है, और शादी एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें हर कोई अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है। ये रिपोर्ट भले ही कहती हो कि इस वेडिंग सीजन लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने वाला है, लेकिन उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा की जा रही हैं। उम्मीदें ये भी है कि महंगाई के मार से सुस्त पड़े बिजनेस को इस वेडिंग सीजन में नई सांसें मिलने वाली है। कैट की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में होने वाली 48 लाख शादियों से 5.9 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। खास बात तो ये है कि राजधानी दिल्ली में भी 45 लाख शादियां होने के आसार हैं, जिसमें 5.9 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। वहीं रिटेल सेक्टर को शादियों के मौसम में सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद है, और खास बात ये है इसमें भारतीय उत्पाद विदेशी वस्तुओं पर भारी पड़ सकता है। कैट के अनुसार शादी के खर्च आमतौर पर सामान और सेवाओं के बीच विभाजित होते हैं। सामान क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें वस्त्र, साड़ियां, लहंगे और दूसरे परिधान पर 10%, आभूषण 15%, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण और उपभोक्ता टिकाऊ सामान पर 5%, सूखे मेवे, मिठाइयों और नमकीन पर 5%, किराने के सामान और सब्जियों पर 5%, उपहार वस्तुएं 4% व अन्य सामान पर 6% खर्च होगा। बैंक्वेट हॉल, होटल और शादी के अन्य स्थल पर 5%, इवेंट मैनेजमेंट पर 5%, टेंट डेकोरेशन पर 12%, खान पान सेवाओं पर 10%, फूलों की सजावट 4%, परिवहन और कैब सेवाएं 3%, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में 2%, ऑर्केस्ट्रा और बैंड पर 3%, लाइट और साउंड पर 3% व अन्य सेवाओं पर 3% खर्च का अनुमान है। कैट के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि उपभोक्ता भारतीय उत्पादों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को मजबूत करता है। भारतीय उत्पादों ने बाजार में गहरी पैठ बना रखी है और उनकी मांग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में शादियों के सीजन में सामान और सेवाओं पर होने वाला खर्च देश में भारतीय उत्पादों के उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। ऐसे में इस साल एक नया ट्रेंड शादी के खर्च में शामिल हो रहा है, ये सोशल मीडिया सेवाओं पर बढ़ता हुआ खर्च है। कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शादी के इस चरण के बाद क्रिसमस और नए साल के उत्सवों के साथ व्यापार में रफ्तार बनी रहेगी। इसके बाद 16 जनवरी मकर संक्रांति से शादी के अगले दौर की शुरुआत होगी। प्रवीण खंडेलवाल ने जोर देकर कहा कि ये विस्तारित शादी का सीजन और त्योहारों की बिक्री मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व बढ़ावा देंगी। इससे देश भर के कई उद्योग एवं व्यापार लाभान्वित होंगे, इससे अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही भारतीय उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता एवं व्यापार में वृद्धि करने की ओर कदम भी बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।